सिक्योरिटी लैप्स नहीं, सिक्योरिटी टोटल क्लैप्स है। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से या इन चीज़ों से कुछ मसले का हल नहीं है। मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी लैप्सेस है और फिर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है हमें लेने की ज़रूरत है कि हम इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेंढर से फार्मर एमएलए जावेद अहमद राणा साहब। इनसे बातचीत करेंगे, जिस तरह से हिता पीर पंचाल में पिछले दो दिन से जो माहौल बना हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए, सीधा सवाल पे आऊँगा, बताइएगा जिस तरह से हालात बने हुए हैं, 5 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए, उसी के साथ साथ अगर बात करें तो 3 सिविलियन जो है उनकी जो है मौत हुई, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ये जो शहादत हुई है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस 5 जवान शहीद हुए, ये को पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से मसलसल ये किलिंग हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, और आपने देखा होगा कि मेंढर में 2 बार किलिंग हुई, एक बार 5 लोगों को लुकमा अजल होना पड़ा, दूसरी बार भी 6 लोग जो हैं वो जामे शहादत ले गए। इसी तरीके से ढांगरी में सिविलियन की किलिंग हुई, और फिर इसमें बुदल में 5 लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन गए, और जहाँ पे परसों ये वारदात हुई है वहाँ पे पिछले साल भी 7-8 लोग जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हैं वो उन्होंने जामे शहादत लिया, और फिर उसके बाद जो सिविलियन किलिंग हुई, मैं कहूँगा कि अब परेशानी इस बात की है कि जो हमारा दुश्मन है वो साझा है, जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं, जिसके साथ हम पिछले 70 साल से एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, वो तो साझा दुश्मन है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनोसेंट सिविलियन को दौरान इन्वेस्टिगेशन उनको मार दिया गया। ये एक मैं कहूँगा कि एक बहुत ही दुखद खबर ये हमें मिली, और इस पे सरकार ने कुछ ऐलानात किए हैं, कुछ एक्स ग्रेशिया रिलीफ या लवाकिन को जो है कंपनसेशन देने की बात की है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंपनसेशन देने से और एक्स ग्रेशिया रिलीफ देने से अपॉइंटमेंट करने से जो है वो भरम पट्टी नहीं की जा सकती है। अगर देखें हिता पीर पंचाल बड़ा सेफ और पीस एरिया था, लेकिन अब जो है माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा है, क्या सर यहाँ सिक्योरिटी लैप्स है, या जिस तरह से मरकजी सरकार यह दावा करती है कि बिल्कुल जो है यहाँ पीस है, अमन है, आपको लगता है सिक्योरिटी लैप्स? बात यह है कि मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी लैप्स नहीं, सिक्योरिटी टोटल क्लैप्स है। आप ये बात लेके चलिए कि जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन देने वाले इंस्टीट्यूशन थे अब वो सब डंप कर दिए गए हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, और ये जो एक इंफॉर्मेशन देने वाला जो एक विंग है, मैं कहूँगा कि उसकी जो है वो कारकर्दगी पे जो है वो एक सवालिया निशान बनता है। वो चाहे नॉन सिविलियन अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो या आप सिविलियन जो हमारे सोर्स की हम बात करें, तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस ना होने की वजह से और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से और पॉलिटिकल प्रोसेस मैं कहूँगा कि ना होने की वजह से जो आम जो हमारा आदमी है, क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं है, उसका जो है वो उसकी रिसाई नहीं है। तो लेकिन सर हिता पीर पंचाल में इंटरनेट जो फैसिलिटी वो भी बंद रखी गई है। मैंने पहले भी कह दिया कि देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी परेशान कुन है। आप इंटरनल जो आपके इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से या इन चीज़ों से कुछ मसले का हल नहीं है। मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी लैप्सेस है और फिर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है हमें लेने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस लें, और दुश्मन हमारा साझा है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं। मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये दावा करते हैं कि बिल्कुल जो है सिक्योरिटी लैप्स नहीं, और जो है हम कड़े से जो है इनका मुकाबला देखिए, फिर कहाँ चूक है? अगर आपका सिक्योरिटी लैप्स नहीं है तो पिछले 2 साल से मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या है? मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ सरकार जो है मरकजी सरकार इस बात का दावा कर रही है कि 5 अगस्त उस एरिया को टारगेट किया जा रहा है जहाँ बिल्कुल जो है पीस था, 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार का ये दावा है कि हमने हालात ठीक कर लिए, और खिताए पीर पंजाल जो एक पीसफुल रीजन रहा है, एरिया रहा है, और वहाँ के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं पूरे देश में और जम्मू कश्मीर की, आप देख लीजिए जब हालात ख़राब थे मिलिटेंसी में, और खिताए पीर पंजाल ने हमेशा
जो है देश की एकता और अखंडता के लिए उन लोगों ने काम किया। देशभक्त लोग हैं तो हिता पीर पंचाल के देखे जाएं तो, और मैं कहूंगा कि उनकी ज़्यादा कुर्बानियां हैं। और पिछले 70 साल से हम प्रॉक्सी वार जो है वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं मैं कहूंगा कि सिविलियन की किलिंग होना, और मैं कहूंगा कि अपने लोगों को ही मार देना अपने लोगों के हाथों से, ये एक विश्वासघात हुआ है और इस पर बहुत ही खलीज पड़ने का एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा इस पर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी करें और जो जो कल्प्रेट्स हैं, जो डिफाल्टर हैं, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और आइंदा के लिए एहतियात की जाए। और मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की बहुत ज़रूरत है। चलें सर, बहुत थैंक यू देने के लिए। तो इनसे बातचीत की और कहा यह गया कि सिक्योरिटी लैब्स, जिस तरह से मरकजी सरकार और अलजी सरकार ये दावा करती है कि हमने जो है हालात जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी लैब्स के कारण जो है ये बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। धन्यवाद।